Hey, welcome back to our channel. In this video, I want to tell you how to set up your device. यानी कि इस फोन को खरीदने के बाद या रीसेट करके क्विक सेटअप कैसे करें। तो सबसे पहले पावर ऑन दबाए फोन को स्विच ऑन करना होगा। डिवाइस बूट होते ही कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ एरो आइकन पे टैप करके नेक्स्ट करेंगे। सिलेक्ट लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश से लेकर बहुत सारे लैंग्वेज का सपोर्ट दिया गया है, तो इसमें आप अपना भाषा सिलेक्ट करिए। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। सिलेक्ट रीजियन। यहाँ से हम अपने कंट्री को चूज करके कंटिन्यू करेंगे। इस फोन को उपयोग करने से पहले लीगल टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पे दोनों जगहों में टिक लगा के नेक्स्ट कीजिए। कनेक्ट टू वाईफाई। अगर घर में वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है तो उस नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, गूगल सर्विस का सारे टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करना होगा। तो यहाँ मोर पे टैप करके नीचे नीचे जाइए और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अनलॉक मेथड। अपना डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन लॉक सेट करना होता है। यहाँ पे फेस लॉक, पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट डेटा ऐड कर सकते हैं। साइनिंग टू गेट फुल एक्सेस। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से हीटअप अकाउंट साइनिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें साइनिंग करके रखेंगे तो इस फोन में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो आप इस साइनिंग प्रोसेस को बाद में भी कर सकते हो। नेविगेशन। नेविगेशन बार में आप किस फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं, बटन या फुल स्क्रीन गेस्चर। गेस्चर सिलेक्ट करेंगे तो साइड से बैक एंड फुल स्क्रीन डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेड। ऑटो अपडेट ओवरनाइट। जब आपके डिवाइस में कोई नया सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी अपडेट आएगा तो रात में ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ग्लैंस। ग्लैंस फीचर्स के माध्यम से लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता है। हर बार स्क्रीन ऑन करने से एक नया नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। पर्सनलाइज्ड सर्च। ऐप डोर ओपन करके ऑनलाइन क्विक सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी फीचर्स को अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, इसके बाद डन कर देंगे। वेलकम। आपका डिवाइस सेटअप हो चुका है। आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते ही सीधा होम पेज में चले जाएंगे। फोन अभी पूरी तरह से सेटअप नहीं हुआ है। दोस्तों इसमें आप सिम कार्ड इंसर्ट कीजिए। सिम कार्ड में नेटवर्क आने के बाद नोटिफिकेशन बार पे एंड्रॉयड सेटअप लिखा एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इस पर टैप करिए। ऐप अपडेट आर रेडी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अपडेट करना होगा। चाहे तो मोबाइल डेटा यूज़ कर सकते हो या किसी वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके सेटअप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेटअप शुरू हो रहा है। लेट्स कॉपी योर डेटा। ओल्ड डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा कॉपी कर सकते हैं, फिलहाल हम कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो यहाँ ईमेल पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिए, या तो स्किप कर सकते हैं। अनलॉक मेथड। अपना डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन लॉक सेट करना होते हैं। यहाँ पे फेस लॉक, पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हो। एनीथिंग एल्स। यहाँ एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिव्यू एडिशनल एप्स में जाके इन सभी एप्लीकेशन से टिक मार्क हटा देना, नहीं तो इन सब फालतू एप्लीकेशन आपके ना चाहते हुए भी इस फोन में इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट फिनिश कर दीजिए। कुछ समय बाद सभी सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट हो जाएंगे और एंड्रॉयड सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपना डिवाइस क्विक सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।